माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, जो बड़े बड़े इल्जाम लगा के गए भारतीय जनता पार्टी पर और कहा कि ये पार्टी जो है दलितों और वंचितों का ख्याल नहीं करती, राकेश जी जवाब देना चाहेंगे? सुमित जी, मैंने लंबी बातचीत सुनी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ। मैं उम्मीद कर रहा था शायद एक सवाल आपसे छूट गया जो उनसे पूछे जाने की आवश्यकता थी, कि बतौर श्रम मंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया है, क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने बहुत सारे आंकड़े इस पर रखे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के आने के बाद कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पिछले 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रोजगार सृजित नहीं हुए थे उतने पिछले 5 वर्ष में हुए हैं। अगर आपने सवाल पूछा होता तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो ईमानदारी से इस बात का जिक्र करते, लेकिन उन्होंने जब अनुसूचित जाति पर अत्याचार को लेकर के बात कही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको आज इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि इनकी पार्टी जिस नई पार्टी में शामिल हुए हैं, इस पार्टी के एक बहुत पुराने नेता हैं आजम खान। आजम खान जी कहा करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जहां लगती है और उसकी उंगली जिस तरफ होती है, समझ लीजिए कि वो सामने वाला प्लाट, ये प्लाट तो कब्जा हो ही गया, सामने वाला प्लाट भी मेरा है। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भूमाफिया कहने वाले आज उनके दल में जाकर के क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज वो सम्मान बचा पाएंगे? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कही गए अशोभनीय टिप्पणियों पर आज वो कोई माफी मंगवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे। वास्तविकता ये है समाजवादी पार्टी अराजकता का पर्याय है। ABP News, आपको रखे आगे।